जी हाँ, जहां जन्मे परशुराम, इंदौर से करीब 28 किलोमीटर दूर जानापाव भगवान परशुराम की जन्मस्थली है। भगवान परशुराम की जन्मस्थली से कई रहस्य और मान्यताएं जुड़ी है। आइए आपको भगवान परशुराम की जन्मस्थली से जुड़े उन रहस्यों के बारे में बताएंगे जो शायद अब तक रहस्य रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। इंदौर से करीब 28 किलोमीटर दूर जानापाव भगवान परशुराम की जन्मस्थली है। जानापाव महू तहसील के हासलपुर गांव में स्थित है। भगवान परशुराम की जन्मस्थली से कई रहस्य और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। आइए आपको भगवान परशुराम की जन्मस्थली से जुड़े उन रहस्यों से रूबरू करवाएंगे जो शायद अब तक रहस्य ही रहे। मैं मौजूद हूँ जानापाव पर्वत पर। यही वो जगह है जहाँ सप्त ऋषियों में से एक ऋषि जमदग्नि रहते थे। उनके घर में ही भगवान परशुराम का जन्म हुआ था और यही वो कुटिया है जहाँ पर भगवान परशुराम ने जन्म लिया था। अंदर का नज़ारा जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यही वो कुटिया थी जहाँ पर भगवान परशुराम ने अपनी माता का वध भी किया था। और क्या कुछ इतिहास के पीछे लिखा हुआ है, क्या कुछ इतिहास के पन्नों में लिखा है, यहाँ के एक एक इतिहास की जानकारी मैं आपको बताऊँगा। और इस जगह पर भगवान परशुराम के जन्म के बाद मंदिर बनाया गया और अब पुराने मंदिर को नए मंदिर में शिफ्ट किया जा रहा है। जीर्णोद्धार का काम शुरू है। भगवान परशुराम से जुड़े हुए हर रहस्य की जानकारी आपको देते रहेंगे, दिखाएंगे यहाँ से कि भगवान परशुराम का जन्म कब हुआ था, कैसे माता का वध किया, कैसे पिता की आज्ञा का पालन किया और उसके बाद क्या वर मांगा था भगवान परशुराम ने। महू के जानापाव पर्वत पर भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। परशुराम सप्त ऋषियों में से एक जमदाग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के पांचवे पुत्र थे। राम भगवान की तरह परशुराम जी को भी भगवान श्री हरि विष्णु का अवतार माना जाता है। वो जन्म से ही अत्यंत बहादुर, शूरवीर और कर्तव्यनिष्ठ आचरण के थे। भगवान विष्णु के आवेशावतार हैं और भगवान परशुराम छठवें अवतार है 24 अवतारों में से। त्रेता के आरंभ में इनका जन्म हुआ था और त्रेता के अंत में राम जी का जन्म हुआ था। उसमें उस कार्यकाल में दो जन्म हुआ एक ही युग में। तो ये आज से कम 20 लाख वर्ष पूर्व में हुआ था। और यहाँ जमदग्नि ऋषि ने तपस्या की थी, भगवान शिव जी का आराधना की थी, इसलिए पहाड़ का जो शिवलिंग है जमदग्निश्वर महादेव माना जाता है। भगवान परशुराम की वीरता और शौर्य की गाथा इतिहास के पन्नों में पढ़ने को मिलती है। भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में जन्मे परशुराम अवतार का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी से पाप और बुराइयों का नाश करना है। यस, इन्होंने अपने गुरुजी के आते थे प्राय यहाँ पे 4 बजे आते थे, 4-5 बजे प्राय अनुभव हुआ है। यहाँ पे हमारे एक ठाकुर साहब रहते थे, यहीं पे सोते थे, उनको काफी अनुभव होता था। तो उन्होंने अपने जो गुरुजी हैं जो ब्रह्मलीन हो गए, करीब 30 मंथ हो गया, 22/9/2020 तो उनके पास आते थे। तो उनको भी गुरुजी यहाँ पे कोई आते थे क्या, बोले परशुराम भगवान मुझे सपने में दिखे थे। उन्होंने बोले हाँ गुरुजी आते हैं, परशुराम भगवान जी आते हैं। भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं और कलयुग में भी एक जीवित देवता के रूप में हैं। आज भी मंदिर के पुजारियों को भगवान परशुराम के आने का एहसास होता है। ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने रामायण काल के दौरान यानी त्रेता युग में अवतार लिया था। भगवान परशुराम अपने माता पिता के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित थे। अपने ग्रंथों में लिखा हुआ है और अपन ब्राह्मण है इसलिए उन्होंने पता है कि आज परशुराम की जो है जन्मस्थली है और यहाँ पर उनका जन्म हुआ था और यहीं से वो आजीवन मतलब अमर है अभी तक। ये बहुत पुरानी परंपरा है, जन्मस्थली वगैरह है, कामधेनु गाय वगैरह है, सारा करीब 10 साल से 10-12 साल से। यहाँ पर मान्यता ये है कि जो अपने जनकेश्वर महादेव है ये जो है स्वयं जो परशुराम जी भगवान के द्वारा स्थापित किए हुए हैं ना। और यहाँ पर मान्यता बहुत सारी है, जैसे कुंड है, ब्रह्म कुंड है, यहाँ पे नहाने से प्रेत बाधा जो दूर बाधाएँ होती है वो दूर होती सारी। जी हाँ, जो मान्यता है वो सुना है हमने भी, परशुराम जी आते पूजा करने। हालांकि कुछ लोगों को भगवान परशुराम की जन्मस्थली की जानकारी नहीं है, लेकिन जानकारी मिलने के बाद श्रद्धालु भगवान परशुराम के दर्शन करने के लिए जानापाव पहुंचते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान हाल ही में भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव पहुंचे थे।
यहाँ सीएम शिवराज ने भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव में परशुराम लोक और परशुराम धाम बनाने की घोषणा की है। 21 बार भगवान परशुराम ने युद्ध किया था और क्षत्रवों का वध किया था। क्षत्रव दरअसल कहा जाता है कि क्षत्रियों का वध किया गया था, जिस तरीके से यहाँ के पंडित जी ने ये बात बताई है कि क्षत्रवों का वध किया था। और जब भी कोई आक्रोश की आकृति हमारे मन में आती है तो सबसे पहले मन में भाव आता है भगवान परशुराम का। भगवान परशुराम के मंदिर को जन सहयोग से बनाया जा रहा है। ये वो मंदिर है जो जन सहयोग से बनकर तैयार हो रहा है। 4 करोड़ की लागत से इस मंदिर को बनाकर तैयार किया जा रहा है, जिसमें यहाँ के जो मुख्य गुरु हैं उनके आश्रम स्कूल की उस प्रॉपर्टी को बेच के जो पैसा एकत्रित हुआ था, उसके अलावा यहाँ पर कई दानदाताओं ने पैसा दिया और अब ये मंदिर लगभग तैयार हो गया है। कुछ ही समय में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, मंदिर शुरू हो जाएगा। भगवान के दर्शन करने के लिए अब नए मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पहुँचेंगे। अभी दूर दराज से कई भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं और मान्यता है कि भगवान शिव जी के यहाँ पर जल चढ़ाकर हर मनोकामना यहाँ पर पूरी होती है। कई भक्तों से हमने बात की जिन्होंने बताया कि वो 30 साल 35 साल से लगातार इस आश्रम से जुड़े हुए हैं, कई मनोकामनाएं उनकी यहाँ पर पूरी हुई हैं। कैमरामैन केशव मराठा के साथ अहमद शर्मा, न्यूज 24 महू। तो यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जो लौटेंगे।